का काम है लोगों की सेवा करना, उनका काम करना, उनको वो काम करना चाहिए। और इस समय भी बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही, ये चिंता का विषय है। और कांग्रेस आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है, जो ये ओछी राजनीति का ही हिस्सा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूर की सुरक्षा तथा सुरक्षित निकासी की कामना हेतु पंचायती मंदिर में हवन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री करण बेहरा उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस मामले में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री करण बेहरा का क्या कहना है। 41 सरकार की तरह मत करिए, सरकार ने पहले 35 बताए, फिर 40 बताए और कल 41 की सूची जारी हुई है। सरकार का होमवर्क जीरो है। पहले एक मशीन भेजी गई, तीसरे दिन उसने 1.25 मीटर खोदा, वो खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, उसने 24 मीटर खोला, उसके बाद कहा गया खराब हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि पता चला कि उस रास्ते में जहाँ से ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अंदर एक JCB और गाड़ी भी फंसी हुई है, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने ना तो एस्केप टनल की व्यवस्था करी है, ना वहाँ ह्यूम पाइप लगे थे जो लगे होने चाहिए थे, जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उन तक रसद पहुँचाई जा सकती थी, ना कोई टेक्निकल असिस्टेंस थी। पिछले 7 महीने से जब से ये जोशीमठ की घटना घटी है, सारे पत्रकार साथी और मैं लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में हम लोग डिबेट्स कर रहे थे कि जो नियम है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग का है, लेकिन वहाँ अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही, उस पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। दीपावली के जैसे दिन, जिस दिन पूरे राष्ट्र में छुट्टी रहती है, उस दिन तो वहाँ काम क्यों हो रहा था, श्रमिकों को अंदर क्यों भेजा गया, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन आज 9 दिन हो गए, चिंता इस बात की है कि 9 दिन में हम 2.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और जानकारों का कहना है कि 10 से अभी 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन के, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के, बिना पर्याप्त पानी के, किस तरीके से वो रह रहे होंगे, क्या उनकी मनोदशा होगी अंदर, ये शोचनीय विषय है। और बीजेपी के प्रवक्ताओं का और अध्यक्ष का बयान निश्चित ही निंदनीय है, जिसमें वो कह रहे कि विपक्ष साथ नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, निंदा कर रहा है। यह हमारा काम है कि अगर आप सही समय पर काम नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग क्यों ADM कर रहे थे, क्यों DM ने वहाँ कैंप नहीं किया, क्यों प्रभारी मंत्री 8 दिन तक वहाँ नहीं पहुँचे, क्यों नहीं उन्होंने वहाँ कैंप किया, ये विषय है जिसको पत्रकार और विपक्ष के साथ दिखाएंगे और उनको दिखाना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, उनका काम करना, उनको वो काम करना चाहिए। और इस समय भी बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही, ये चिंता का विषय है। अभी भी कोई फुल प्रूफ प्लान उनके पास नहीं है कि किस, वो कभी कह रहे कि टनल हम फलानी जगहों से करेंगे, कभी कह रहे टनल हम यहाँ से करेंगे 250 मीटर, कभी कह रहे 100 मीटर यहाँ से टनल करेंगे। तो जब आप ही सशंकित हैं, अभी तक आपने कोई चीज़ अभी निश्चित नहीं की है, तो आप क्यों लोगों के बीच में गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। सर, पूरे मामले में गलती किसके देखते हैं? देखिए, गलती प्रशासन की भी है, सरकार की भी है और टेक्निकल असिस्टेंस की भी गलती है। जब आप और मैं लगातार 7 महीने से कह रहे हैं कि वहाँ अनकंट्रोल ब्लास्टिंग इनमें हो रही है, सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं रोका गया? सरकार ने एस्केप टनल में अगर कमी थी तो उसके बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? सरकार और एजेंसीज ने वहाँ ह्यूम पाइप नहीं लगने, इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो गलती अथॉरिटीज़ की है, गलती जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार मंत्री होंगे। आइए अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदित्य कोठारी का इस पर क्या कहना है। इस सिलक्यारा में जो टनल्स का हादसा हुआ है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार समन्वय बना करके जितने गंभीर से गंभीर प्रयास हो सकते हैं उतने किए जा रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रधानमंत्री कार्यालय निरंतर इसमें नज़र बनाए हुए है और प्रत्येक दिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कल ही केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त रूप से वहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया है और वहाँ के बेहतर से बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं उस पर वहाँ चर्चा की। मुझे लगता है कि आपदा का समय है, हम सभी लोगों को मिलजुल करके इस आपदा की घड़ी से उभरना है और जो 41 लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करना है, उसको किया जा रहा है। आपदा के समय में राजनीति करना ये उचित नहीं है और कांग्रेस आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है, जो ये एक ओछी राजनीति का ही हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि
वहाँ जो इससे बेहतर अगर कोई किए जाने की आवश्यकता है और कांग्रेस के पास अगर कोई इस प्रकार का कोई सुझाव है, कोई विशेषज्ञ कोई कंपनी है, विशेष कोई विशेषज्ञ देश भर में के विदेश में अगर कोई है, अब उनकी निगाह में कोई है तो वो बताएं कि इस विशेषज्ञ की इसमें मदद ली जाए या इस कंपनी की मदद ली जाए, तो उनका सुझाव स्वीकार्य होगा और उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन केवल जो है कमी निकालना, और वो भी इस विषम परिस्थिति में जबकि वहाँ पर 41 लोग फंसे हैं, वो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, ऐसे समय में हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, ये देवभूमि है हमारा उत्तराखंड जो है, सकारात्मक राजनीति को लेकर के हम लोग सभी चलते हैं, तो मुझे लगता है इस समय राजनीति करना उचित नहीं है। नितिन गडकरी जी जब पहुंचे थे तो वहाँ पर उनका स्वागत जो था रेड कार्पेट बिछा के किया गया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और करण मेहरा ने कहा है कि जो भाजपा के राज्य के नेता हैं वो सिर्फ केंद्र नेताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने कहा है कि रेड कार्पेट बिछाने का कोई ऐसा नहीं हुआ है, उनका बयान भी इस पर आया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के भ्रामक बयान ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। क्या पैनल में एस्केप चैनल होना जरूरी था सर? एस्केप चैनल को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए जो हमारी जानकारी में आया है, बचाव के सभी रास्ते पहले से विचार करके रखने चाहिए, लेकिन अभी हम इस ओर नहीं जा रहे हैं कि कहाँ क्या कमी थी क्या नहीं थी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच कमेटी बना दी गई है और ये बात का विषय है। अभी हमारे सामने प्रथम जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो उन लोगों को बचाने की है, और जब तक उन तक पहुंच का मार्ग नहीं बनता है तब तक उनको ऑक्सीजन, उनको भोजन और उनकी दवाइयां पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं भारत को, और जहां उत्तराखंड के धामी जी जो है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड राज्य होगा वो सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, तो वहीं सब केंद्र की और राज्य की एजेंसियां फेल होती नजर आ रही है, समय पे समय बीतता जा रहा है। ऐसा नहीं है, कमियां भी काम करते करते कमियां भी होती हैं और कमियों से सीखते हैं। चंद्रयान मिशन जो हमारा सफल हुआ है, ये सफल कैसे हुआ? जब हम चंद्रयान 2 की असफलता के कारण ही हम चंद्रयान 3 में सफल हुए हैं, जो उस समय कमियां थी उन कमियों को दूर किया और हम चंद्रयान 3 में सफलता हमने हासिल की है। तो इसी तरह से क्योंकि विकास में टनल्स बनाए जाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, ये महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ दूरी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ विकास कार्य में टनल्स का बहुत बड़ा योगदान है, तो टनल्स के काम तो होने ही है। तो अगर कोई इस प्रकार की कमी कोई इस बार रही है तो इससे हम लोग निश्चित रूप से सीखेंगे और इसको सीख करके भविष्य में कोई कमी ना रहे, कोई किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसका सबक लिया जाए।